नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं लुकस से चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। 12 सितंबर को नहीं होगी एचएएस परीक्षा, नीट के चलते होगा बदलाव। सुजानपुर में फंदे से झूली विवाहिता, पुलिस ने केस दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अफगानिस्तान में 14 आतंकवादी ढेर, अमरीकी सेनाओं के लौटते ही तालिबान ने शुरू किए हमले। अब हर राज्य में खेला हुए ममता बनर्जी का मिशन 2024 के लिए बड़ा ऐलान। मोहन भागवत का एक बड़ा और विवादित बयान, भारत को पाक बनाने को बढ़ाए मुस्लिमों की आबादी। योगी सरकार में मंत्री के बिगड़े बोल, मुनवर राणा जैसे लोग एनकाउंटर में ही मरेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा दो फाड़। ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर घमासान, केंद्र सरकार के बयान के बाद गरमाई सियासत। अब खबरें विस्तार से। 12 सितंबर को नहीं होगी एचएएस परीक्षा, नीट के चलते होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 12 सितंबर को नहीं होगी। नीट के चलते राज्य लोक सेवा आयोग एचएएस की परीक्षा की तिथि को बदलने की तैयारी में है। बीते दिनों आयोग ने 12 सितंबर को परीक्षा लिए जाने की संभावित तारीख का ऐलान किया था। उधर एचएएस की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 18 विभिन्न श्रेणियों के प्रशासनिक पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जानी है। आयोग के सचिव डी के रतन ने बताया कि जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा की जाएगी। राज्य लोकसभा आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा सहित 18 पदों को भरा जाएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 पद कार्मिक विभाग में भरे जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद, गृह विभाग में प्रदेश पुलिस सेवा के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 2 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार का 1 पद और सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद भरे जाएंगे। 21 वर्ष से अधिक आयु के युवा और 35 वर्ष से कम आयु वाले परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। सुजानपुर में फंदे से झूली विवाहिता, पुलिस ने केस दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। थाना सुजानपुर के अंतर्गत एक पंचायत में विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसआई मदन लाल ने जिला पुलिस अधीक्षक के हवाले से बताया कि 39 वर्षीय विवाहिता ने अपने घर में बुधवार को देर शाम फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे, पति छोड़ गई है। मौत के क्या कारण है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगा। उधर मौके पर पुलिस को आत्महत्या संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। अफगानिस्तान में 14 आतंकवादी ढेर, अमरीकी सेनाओं के लौटते ही तालिबान ने शुरू किए हमले। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में वायुसेना की कार्रवाई में 14 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी फवाद अमन ने बताया कि वायुसेना ने कंधार के पंजवई जिले में तालिबानी आतंकवादियों के ठिकाने पर आज हवाई हमले किए गए। कार्रवाई में 14 आतंकवादी मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से नाटो और अमरीकी सेनाओं की वापसी शुरू होने के साथ ही तालिबान ने राजधानी काबुल सहित देश भर में हमले तेज कर दिए हैं। आतंकवादी संगठन विशेष तौर पर राजनेताओं, महत्वपूर्ण हस्तियों और कार्यालयों आदि को निशाना बनाता है। देश के कुल 419 जिलों में 214 जिला मुख्यालयों पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है। इससे एक दिन पहले समागम प्रांत से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को हिरासत में लिया गया। ये आतंकवादी अफगानिस्तानियों की हत्या करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से फर्जी आब्रजन कार्ड के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। अब हर राज्य में खेला हुए ममता बनर्जी का मिशन 2024 के लिए बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी अब मिशन 2024 में जुट गई है। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने का ऐलान करते हुए उन्होंने बुधवार को कहा कि जब तक मोदी सरकार को सत्ता से नहीं हटा दिया जाता, हर राज्य में खेला होगा। बंगाल में खेला हुए का नारा देकर बड़ी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 16 अगस्त को खेला दिवस मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटने की भी घोषणा की है। मोहन भागवत का एक और विवादित बयान, भारत को पाक बनाने के बढ़ाई मुस्लिमों की आबादी। 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों और पाकिस्तान पर एक और विवादित बयान दिया है।
संघ प्रमुख ने बुधवार को कहा कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को भी पाकिस्तान बनाने की योजना थी। ये योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया। मोहन भागवत ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान CAA NRC पर मुस्लिमों की आशंका दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि CAA NRC को हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरह पेश किया जाना पॉलिटिकल साजिश है, ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार में मंत्री के बिगड़े बोल, मुनवर राणा जैसे लोग एनकाउंटर में ही मरेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि वे भारत के टुकड़े करेंगे, मुनवर राणा उनमें से एक है। मुनवर राणा और उनके परिवार के लोग हमेशा विवादित बयान देते हैं। वे सारे लोग जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे एनकाउंटर में मार दिए जाएंगे, चाहे वे जो भी हों। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वे यूपी छोड़ देंगे, वो समझ लें कि इसका वक्त आ चुका है। उधर मुनवर राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम टुकड़े कराने को नहीं, हिंदुस्तान के इश्क में यहाँ रुके थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा दो फाड़। हिमाचल प्रदेश में 3 हलकों और 1 संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में उलझी भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र झंडुता में भाजपा में बड़ा विस्फोट हुआ है। पार्टी यहां दो फाड़ हो गई है। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सिखी राम कौंडल की बेटी राजकुमार कौंडल ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जयराम सरकार के सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। साथ ही मंडल कार्यकारिणी में कांग्रेस से आए लोगों को महत्वपूर्ण ओहदों पर नवाजा गया है। ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर घमासान, केंद्र सरकार के बयान के बाद गरमाई सियासत। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। संसद में सरकार की ओर से आए इस जवाब के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र कह रहा है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो, इस पर आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है, इसलिए इसकी आंकड़े नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बताएं कि क्या आपकी सरकार ने केंद्र को जो आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, ऐसा लिख कर दिया है क्या। भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत समेत दूसरे नेताओं पर कई आरोप जड़ दिए। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन हो या महामारी, हर विषय में झूठ और भ्रम फैलाना इनकी आदत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। दिखते रहे हिलकस न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्रिस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्रिस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।